हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो सेंटर है वो भी काफ़ी दूर दूर पड़ा है, बॉयज़ का भी बहुत दूर पड़ा है ना, गर्ल्स का भी काफ़ी दूर दूर सेंटर्स पड़ा है, जिसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जो हम स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्या होता है एक्चुअली, मैं इस वीडियो को नहीं बनाती, ठीक है, बट मैं इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं मेनली क्योंकि जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं ना और वहाँ पे जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं और अगर वो एक आध चीज़ भी भूल जाएँ, ठीक है, मान लीजिए बाय मिस्टेक भूल गए या फिर उन्होंने हो सकता है इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हों, तो कई बार क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता। बहुत बहुत दुख होता है इस चीज़ को देख के कि सब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और वो बच्चा बैठ के बाहर वेट करो भैया वरना अपने घर जाओ, ठीक है, वरना उसको बुलाएंगे तो जब आधा घंटा ओवर हो जाएगा तब उसको बुला रहे हैं, बहुत देर उसमें एंट्री कर रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से जब बच्चा इतना रिक्वेस्ट करेगा तब जाके। सो डेट्स वाई यार, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों का इस तरह का लॉस बिल्कुल हो सिर्फ छोटी छोटी से आप लोगों की मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपना एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोगों की एक ही आदत होती है, ये नेचर होता है कि हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बट देखो, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करते हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड नहीं करते और फिर वो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो इसी के रिगार्डिंग हमें आपको एक चीज़ बता देते हैं, भाई क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली लेके जानी है ताकि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम और इट्स एडमिट कार्ड। देखो सबसे पहले ना मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आप लोग का एग्जाम सेंटर होगा उस परीक्षा केंद्र के, जैसे मान लीजिए आपका जो भी टाइम है, ठीक है, मान लीजिए किसी का सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, किसी का फर्स्ट शिफ्ट में है ना, जैसे भी जिस हिसाब से आप लोग के एग्जाम्स है, तो आपको एटलीस्ट दो घंटे पहले अपने केंद्र के बाहर पहुंच जाना है, ठीक है। दो घंटे पहले का आप लोग ये अपने आपको सेफ जोन में रख के चले, ठीक है, कि दो घंटे पहुंचो। हालांकि जब भी आपका एग्जाम शुरू होता है अगर उससे आप एक घंटे पहले भी पहुंच जाते हो तो भी आप लोग की एंट्री हो जाती है, बट बहुत उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम स्टार्ट होना है 3 बजे, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, तो वो कब पहुंचेंगे, बिल्कुल आधे घंटे पहले। उस केस में आप लोगों की फिर एंट्री नहीं होती है, गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, नो एंट्री एट ऑल। सो इसलिए अपने आपको सेफ जोन में रखेंगे और टाइम से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज भैया, जब भी आपका पेपर शुरू होता है, कोई भी आपका टाइम है, मान लीजिए 3 से 5 की शिफ्ट है, तो भाई आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाता है। उस केस में किसी की कोई भी एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री का कार्ड आपको बाहर लगा के दे देते हैं, ठीक है, कि जाइए अब अपने घर जा सकते हैं। तो ऐसी वाली गलती आप लोग नहीं करेंगे, इतनी दूर से आप लोग जाएंगे, इतना खर्चा पानी आप लोग करके जाएंगे, किराया भाड़ा 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो अपना टाइम से जाइएगा। उसके बाद अब आता है सोशल डिस्टेंसिंग का, आपको वहाँ पर पूरा पूरा ध्यान रखना है, खड़े होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क वगैरह अपने लगा के जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि भैया कोविड वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। सबसे पहला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद है कोई भी आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पहचान पत्र हो, ठीक है, अब चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी ऐसा कार्ड जिसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। सो आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, प्लस साथ में आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ है, आधार कार्ड या जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड वगैरह, इसके साथ में आपका एडमिट कार्ड्स, और इसके अलावा में एक और चीज़ आपको लेके जानी है, वो है आपके 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो बहुत पुरातन कालीन वाला हो, हाँ ऐसा वाला नहीं चलेगा, थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए भाई, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। अब एक और चीज़ है, उन फोटोज के पीछे आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और आप लोगों का नाम, आप लोगों का नाम और रोल नंबर उस फोटो के पीछे लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना इस चीज़ को, उन्होंने वहाँ पे साफ मेंशन किया है इस चीज़ को, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेके जाएंगे। अब एक और चीज़ आती है, मैम पैन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पैन आपकी मर्जी है, ब्लैक पैन यूज़ करो या फिर ब्लू पेन यूज करो, ठीक है, लेकिन आपको बॉल पॉइंट पेन होता है ना वो यूज करना है, जेल पेन मत यूज करना, जो भी आपके बॉल पॉइंट्स वाले पेन होते हैं उनको आप यूज करोगे, चाहे ब्लैक करो चाहे ब्लू करो, इन दोनों पेन्स के अलावा आपको कुछ भी चीज यूज नहीं करनी है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये सब चीजें तो पता है, देखो ये सब चीजें जिसको पता है वेल एंड गुड, बट हर किसी को नहीं पता होता, डेट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। मैंने देखा है जब एग्जाम सेंटर पे जाके बच्चों को वापस लौटा दिया जाता है ना,
उससे ज़्यादा हर्टफुल कुछ नहीं होता, बहुत गंदा फील होता है, ठीक है, सब लोगों की मेहनत होती है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनको रिटर्न कर दिया जाता है. सो डेट्स व्हाई हमने सोचा इस चीज़ को आपको एक बार आगाह करा दिया जाए, है ना. अब एक और चीज़ है, आप ध्यान देना जो जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ. कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब तो आपको पता है किसी भी एग्जाम में नहीं लेके जाते हैं, है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है. लेकिन एक और चीज़ क्या होता है एग्जाम्स में ना कहीं कहीं पे, कि भाई आपको वॉच अलाउ होती है, लेकिन डिजिटल वाली नहीं, नॉर्मल. बट यहाँ पे आपको नॉर्मल वॉच भी नहीं लेके जानी. ध्यान देना, किसी भी तरह की घड़ी नहीं पहन के जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर के अंदर. किसी भी तरह की घड़ी आपके परीक्षा केंद्र में आप लोगों को नहीं लेके जाओगे. जो भी आपका एग्जाम हॉल होगा उसमें आप नहीं पहन सकते हो. अब बात आती है, मैम जब घड़ी नहीं पहनेंगे तो टाइम का कैसे पता चलेगा, है ना. सो देखो, टाइम का ऐसे पता चलेगा, जो वहाँ पे टीचर्स खड़े होते हैं आपके, ठीक है, वो आपको बताते रहते हैं बीच बीच में कि जी एक घंटा हो गया, आधा घंटा बचा है, दो घंटे हो गए, है ना. तो वो लोग आपको बीच बीच में बताते रहते हैं. बाकी आप चाहो तो उनसे पूछ लेना कि सर कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम रह गया है, उस चीज़ के लिए आप लोग फ्री हो, ठीक है, बेझिझक होके पूछो आराम से. बहुत ज़्यादा ये चीज़ में ना प्रॉब्लम होती है, जब हमारे हाथ में घड़ी नहीं होती है ना तो हमको एक टाइम का एग्जैक्टली पता नहीं चलता है. क्योंकि जब वॉच होती है ना तो स्टूडेंट उसी के हिसाब से अपना पेपर करता है, उस हिसाब से अपनी स्पीड पकड़ता है कि भाई इतना टाइम रह गया नहीं रह गया. एक बार हमारा भी एक एग्जाम था, ठीक है, आई थिंक पीसीएस वाले पेपर में था, तो उन्होंने वॉच उतरवा दी थी हमारे बोर्ड में जाके कि वॉच उतार दीजिए. तो भैया उतार दी हम लोगों ने. अब क्या रहा, वो थोड़ा सा लाइक टाइम तो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, दिक्कत होती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. इसलिए आप लोग अपनी स्पीड को पहले से ही अपनी स्पीड को बना के रखना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पीड एकदम अच्छे से शुरुआत से अच्छी रखना, ताकि टाइम की आपको दिक्कतें ना आए. क्योंकि यहाँ पे वॉच अलाउ नहीं है, बट टाइम आप लोग पूछते रहना, ठीक है, गलती मत करना कि बस करे जा रहे हो, थोड़ा टाइम पूछते रहना उन लोगों से, बाकी वो लोग बताते रहते हैं खुद से, है ना. एक और चीज़ है, कुछ लोग होते हैं वाइटनर्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, कोई वाइटनर्स नहीं लेके जाओगे, कोई ब्लेड वगैरह यूज़ नहीं करोगे ओएमआर शीट पे, कोई रबड़ वगैरह का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है. अब आता है ओएमआर शीट को आप लोग कैसे भरेंगे. देखो, बहुत केयरफुली तरीके से भरना, जो सर्कल्स होते हैं ना उसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस सर्कल को फिल करना है, प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से सर्कल को पूरा फिल करना है. जो आपका सर्कल होगा, जो आपका बबल होगा, उसके बाहर आपका पैन नहीं जाना चाहिए. ये नहीं कि छोटे बच्चों की तरह इधर निकाल दिया उधर निकाल दिया, प्रॉपर तरीके से भरना है, डार्क डार्क सा थोड़ा भरना, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, ठीक ठीक उसको भरना अच्छे से. इसके बाद कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो लाइक फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या जो भी हो सकता है, ठीक है, हर किसी कंडीशंस होती है, सबका अपना होता है. तो कुछ लोग क्या होते हैं, अभी जिनको ओएमआर का बेसिकली आइडिया नहीं है, तो जिस जो बबल्स होते हैं ना उनको एक्चुअली फिल करा जाता है, उनको पूरा भरा जाता है, गोल गोल गोल, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसको ऐसे कट कर देंगे या उसको ऐसे टिक लगा देंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है. सारे इंस्ट्रक्शंस को आप, इसलिए मैंने आपको सोचा कि भैया एडमिट कार्ड्स के कुछ स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, सो डेट्स वाई डिसाइडेड कि भाई आपको सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार बता दो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, है ना. अब जैसे कि क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताऊं, जैसे मान लीजिए ओएमआर है, मैं आपको शो करती हूं, है ना, आपको दिख रहा है ये ओएमआर है ना, तो आई थिंक आपको प्रॉपर भी नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखना, ठीक है. तो ये ना आपको पूरे सर्कल एकदम फिल अच्छे से करना है. यहाँ पे आपको क्या दिया होता है, पूरा यहाँ पे आपको रोल नंबर देंगे, अपने एडमिट कार्ड से बहुत ध्यान से अपना रोल नंबर फिल करना, गलती मत करना. जब रोल नंबर को लिखो तो लिखने से पहले एक बार अगेन चेक कर लो, क्या 2 ही लिखा है मैंने, क्या मैंने 3 लिखा है. और जब उसको सर्कल मतलब फिल करो तो बहुत अच्छे से केयरफुली, है ना, क्योंकि अगर एक बार ऐसी चीज़ों में गलती हो जाती है तो आपका पूरा पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर कोई चांस नहीं होता. और आप सोचो ना कि हम फ्लूट लगा के वाइटनर्स लगा के ठीक कर दें, तो वो सब नहीं होना है. एक क्वेश्चन के, कोई भी एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसका एक ही आंसर आपको टिक लगाना है. ये नहीं कि 2 लगा दो, यार मुझे तो ये भी लग रहा है इसको भी लगा देते हैं, ये भी लग रहा है इसको भी लगा देते हैं, हमको आधा आधा नंबर दोनों से मिल जाएगा. हाँ, तो ये ऐसे नहीं होता है, एक ही आपने लगाना है, फिर आप चाहे कुछ भी लगाएंगे, ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, ठीक है. सब चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, अपना परीक्षा केंद्र अच्छे से डालना, जो भी आपकी बुकलेट आईडी वगैरह होगी, परीक्षा तिथि वगैरह होगी, सेंटर एग्जाम सेंटर, जो भी चीज़ें उसमें आपको पूछी जाएंगी आंसर शीट के अंदर, वो आप बहुत अच्छे से फिल करेंगे और उसको केयरफुली चेक करके फिल करेंगे, ठीक है. और एक और चीज़ है, देखो अब थोड़ा सा वायरल्स वगैरह ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा जुकाम खांसियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, हो रही हैं, सो अपने आप को सेफ रखेंगे, ठीक है. अभी एग्जाम सारे पास में हैं तो आपकी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, अच्छे से एग्जाम देंगे बिल्कुल. और एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो एग्जाम में लेके जाने में, अब पहले भी बोल चुकी थी, अगेन मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी, ये आप ज़रूर साथ में लेके जाएंगे. एडमिट कार्ड तो लेके जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ, फोटोज़ के साथ, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी पॉजिटिविटी को लेके जाएंगे. ये सोच के नहीं जाएंगे कि हमें कुछ नहीं आता, बल्कि ये सोच के जाएंगे कि हमें ही सब कुछ आता है भाई,
ठीक है, जो एग्जाम निकालते हैं, जिनका एग्जाम अच्छा जाता है, वो कोई एलियंस नहीं होते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, आराम से अपनी चीज़ों को पढ़ो, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो, अच्छे से एग्जाम देने जाओ, सब अच्छा ही होगा। और अगर पहले ही नेगेटिव सोचोगे, अरे यार कुछ नहीं आता, कैसा पेपर होगा, ये होगा, वो होगा, फिर क्या मतलब है? इसलिए पॉजिटिव रहो, ठीक है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, ठीक है, पॉजिटिव रहो। अरे कोई जेल थोड़ी ना हो जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा गया तो नेक्स्ट टाइम अच्छा देना, क्या दिक्कत है ना? सो डेट्स वाई, अब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कैसी भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है। बाकी करंट अफेयर्स वाले हमने 6 सीरीज चलाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें करंट अफेयर्स है, प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, बाकी चैनल पे भी है, वहां से जाके आप उस करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स हैं, वो उनको अच्छे से करके जाना, ठीक है, 6 वीडियोज है ओनली, वो अच्छे से कर लीजिए। और अभी जितना टाइम बचा है रिमेनिंग, उसके अंदर हम एक एक करके सारे मॉडल पेपर्स लगाएंगे। देखो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग मॉडल पेपर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ से आप लोग बस मॉडल पेपर्स लगाइए अब लास्ट डेज में, ठीक है, सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, राइट। चले, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो आप लोग पूछ लेना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।